हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। सबसे पहले मुझे आपको ये बताते हुए बेहद ही खुशी हो रही है कि हमारे एक वीडियो जो कि बिहाइंड द ट्रीज मूवी का एक्सप्लेनेशन था, उसे खुद ही इसी मूवी के डायरेक्टर विक्रम जयकुमार ने देखा और मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर कुछ सजेशंस भी दिए, जिससे मुझे ये लग रहा है कि हमारा चैनल वाकई में ग्रो कर रहा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है तो इसे IMDB पर रेटिंग देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसका नाम है 0.0 MHz, जिसे यू सियोन डोंग ने डायरेक्ट किया है। दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही होगा कि कोरियन लोगों के नाम काफ़ी स्ट्रेंज और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो में उनके नाम को बदलकर कुछ सिंपल नाम में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक गांव को देखते हैं जहां पर एक रिचुअल चल रहा था और कुछ लोग मिलकर उस रिचुअल को पूरा कर रहे थे, और तभी वहां पर पासी के एक घर का दरवाजा अपने आप ही खुलता है, जिससे कि सभी लोग चौंक जाते हैं और गांव के ही एक प्रीस्ट, जिसे शमन कहा जाता है, वो घर के अंदर चेक करने जाती है और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो प्रीस्ट मरी हुई पड़ी है, जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल है और उसके मुंह से खून बह रहा है, और यहीं से मूवी की शुरुआत होती है। अब सीन कट होकर एक रेस्टोरेंट में आता है जहां पर एंडी नाम का एक लड़का उस रेस्टोरेंट में काम कर रही लड़की सोफी से मिलता है, जिन्होंने अभी अभी एक क्लब ज्वाइन किया था जिसका नाम था 0.0 MHz, और ये एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन क्लब था। एंडी सोफी को बताता है कि वो एक हॉरर नॉवेल लिख रहा है और उसी की रिसर्च के लिए उसने ये क्लब ज्वाइन किया है, जिस पर सोफी उससे कहती है कि उसने ये क्लब बस यूं ही ज्वाइन कर लिया। 0.0 MHz क्लब में सोफी और एंडी को मिलाकर कुल 5 मेंबर्स थे, जिनके नाम जेकी, हैरी और माइक थे। सभी लोग अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए शहर से कुछ दूर एक गांव में जाने वाले थे, जहां 4 साल पहले एक औरत ने अपने घर में खुद को फांसी लगा ली, और जब वहां के लोगों ने ये नज़ारा देखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि उस औरत का शरीर जमीन पर पड़ा था लेकिन उसका सिर रस्सी से बने फंदे में ही फंसा हुआ था, और तभी से वहां पर भूतिया घटनाएं घटने लगी, जिससे कि पूरा गाँव धीरे धीरे खाली हो गया। कुछ महीनों बाद वहां के लोकल तांत्रिक, जिसे शमन कहा जाता है, उसने भूत भगाने के लिए तंत्र क्रिया की, लेकिन वो शमन ही मारी गई और उसका शरीर काफ़ी बुरी हालत में मिला। इस घटना के कुछ समय बाद एक स्टूडेंट ग्रुप उस गांव में एक ट्रिप पर गया, और उनमें से एक लड़की ने वहां पर किसी भूत को देखा, जिसका उसने स्केच बनाया, और वो स्केच काफ़ी डिस्टर्बिंग था। लेकिन ये बात अभी तक कन्फर्म नहीं हुई थी कि उस गाँव के उस घर में सच में कोई भूत है या सिर्फ ये एक अफवाह मात्र है, और इसीलिए 0.0 MHz क्लब वहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने जाने वाला था। और तभी एंडी, जो कि क्लब का नया मेंबर था, वो ये सवाल करता है कि 0.0 MHz का मतलब क्या है, जिसका जवाब देते हुए जैकी कहती है कि 0.0 MHz वो फ्रिक्वेंसी है जिसमें इंसानी दिमाग पैरानॉर्मल चीज़ों को महसूस करता है, और सरल भाषा में कहा जाए तो ये भूतों को बुलाने वाली फ्रिक्वेंसी है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन सभी क्लब मेंबर्स उस हॉन्टेड गांव के लिए निकल जाते हैं, और रास्ते में एक शॉप पर रुकते हैं जहां से वे सभी खाने का सामान वगैरह लेते हैं। बाहर सोफी को एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है जिसके पैरों से खून बह रहा था। वो शॉप में तो घुसती है लेकिन उस शॉप के अंदर नहीं आती, और जब सभी वापस उस गाँव के लिए निकलते हैं तो सोफी को वही लड़की उन्हें घूरती हुई दिखाई देती है, लेकिन बाकी सभी लोग उस लड़की को नहीं देख पा रहे थे। फिर कुछ देर के सफ़र के बाद सभी लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर वो पैदल जंगल के रास्ते पहुंचते हैं, और सोफी को उस घर को देखकर कुछ अजीब महसूस होता है, और बाकी के क्लब मेंबर्स उस हॉन्टेड घर को चेक करने में जुट जाते हैं। जब माइक को एक बर्तन में कुछ अजीब सा दिखता है, जिससे कि वो काफ़ी डर जाता है। सोफी घूमते घूमते पास के एक जंगल में पहुँच जाती है जहाँ वो खुद को काफ़ी बीमार और थका हुआ महसूस करती है, और उसके सामने अचानक एक बूढ़ी औरत आ जाती है, जिससे कि वो डर जाती है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। हम देखते हैं कि खाली गांव के उस हॉन्टेड घर के बाहर सभी क्लब मेंबर्स अपना खाना खा रहे थे, और रात को वो आत्माओं से बात करने के लिए सब्जेक्ट में जैकी को चुनते हैं।
सोफी काफी बीमार महसूस कर रही थी और वो सभी को जंगल में हुए डरावने हादसे के बारे में बताती है, लेकिन सभी उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो भी इस क्लब में नई थी और सभी उसे आराम करने का कहते हैं। शाम होते होते मौसम बिगड़ने लगता है और सभी बारिश होने से पहले अपने इक्विपमेंट्स और कैमराज वहाँ पर सेट कर लेते हैं और रात होते ही वो जैकी को मीडियम बनाते हैं। वो दो एक जैसे दिखने वाली गुड़ियाओं को लेते हैं और एक गुड़िया को ठीक वहीं पर लटकाते हैं जहाँ पर उस औरत ने फांसी लगाई थी और दूसरी गुड़िया के पेट में वो जैकी के कटे हुए नाखून डालते हैं और उस गुड़िया को एक पानी से भरे बर्तन में रखते हैं जिसमें कि कच्चा मांस भी था। फिर वो जैकी को ज़मीन पर लेटाकर उसके चारों तरफ नमक से घेरा बना देते हैं ताकि कोई भी आत्मा उस घेरे के अंदर नहीं आए और जैकी के सिर पर ब्रेन मैपिंग डिवाइस लगाते हैं ताकि वो उसकी फ्रिक्वेंसी माप सकें। फिर माइक कुछ स्पेल बोलता है ताकि वहाँ मौजूद आत्माओं को बुलाया जाए और ये सभी चीज़ें CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हो रही थी। हैरी उस घर के बाहर अपने इक्विपमेंट्स पर देखता है कि जैकी के ब्रेन की फ्रिक्वेंसी कम हो रही है और तभी जैकी अजीब तरह से बिहेव करती है जिससे कि सभी डर जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैकी बस नाटक कर रही थी और ये प्रोसेस एक बार फिर से शुरू की जाती है। लेकिन काफ़ी देर तक कुछ नहीं होता और सभी बाहर इंतज़ार करते करते थक जाते हैं। माइक टॉयलेट करने चला जाता है और हेनरी एंडी को सोफी के पास भेज देता है और वो खुद जैकी के पास चला जाता है और वहीं उसके पास ही सो जाता है जिसे अब माइक मॉनिटर कर रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पर ज़ोर से बारिश होने लगती है और एंडी देखता है कि सोफी बुरी तरह से कांप रही है। उस कमरे की खिड़की पर अजीब सी परछाई आती है और सोफी का मुँह वही बूढ़ी औरत दबा देती है जो उसे जंगल में दिखाई दी थी। वो सोफी के बिल्कुल पीछे थी लेकिन एंडी उसे ज़रा भी नहीं देख पा रहा था। माइक मॉनिटर पर देखता है कि जैकी की ब्रेन फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम होती जा रही है और धीरे धीरे वो 0.0 मेगाहर्ट्ज पर आकर रुक जाती है, जिसके बाद जैकी की आंखें एकदम से खुलती है और वो अजीब तरह से चलकर बाहर आती है। माइक को लगता है कि शायद ये एक बुरा सपना है और अंदर जाने पर जैकी की जगह बस हैरी सो रहा था और जो गुड़िया वहाँ पर लटकाई गई थी उसका बस सर वहाँ पर लटक रहा था और बाकी शरीर गायब था। फिर सभी मिलकर जैकी को ढूंढते हैं और देखते हैं कि जैकी अजीब तरह से बिहेव कर रही है। जैकी फिर से नॉर्मल होकर सभी से खुद को बचाने को कहती है और अचानक से फिर वही अजीब बर्ताव करती है और जैकी किचन के अंदर बने चैम्बर में अपने आप घुसती चली जाती है, जिससे हेनरी और माइक उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि कोई चीज़ उसे अंदर से खींच रही है और वो देखते हैं कि चैम्बर से खतरनाक आत्मा बाहर आती है और जैकी को अंदर खींचकर ले जाती है। इधर सोफी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वो ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी और हैरी एंडी को उसे कार में ले जाने को कहता है और माइक को लेकर वहाँ पर सेट किए हुए इक्विपमेंट्स और जैकी को वापस लाने जाता है। हैरी माइक के साथ मिलकर उस किचन के अंदर जाता है और फर्श को तोड़ने लगता है क्योंकि वहीं पर वो चैम्बर था। इधर चैम्बर के अंदर जैकी बेहोश पड़ी हुई थी और किसी के घने लंबे बाल उसे जकड़ते जा रहे थे। हैरी और माइक एक पत्थर की मदद से किचन के फर्श को तोड़ देते हैं और जैकी को वहाँ से खींचकर बाहर निकालते हैं और उसे वापस कार में ले आते हैं। सभी लोग उस गांव से निकलने ही वाले थे कि सोफी कहती है कि उन्होंने उस डॉल को जलाया है या नहीं, क्योंकि वो रिचुअल अभी तक जारी है और उसे ख़त्म करने का एक ही तरीका है, डॉल को जला देना। सभी लोग माइक को वापस जाकर डॉल को जलाने को कहते हैं क्योंकि माइक का ही ये पूरा प्लान था और ना चाहते हुए भी माइक वापस जाता है, लेकिन वो उस डॉल को बिना जलाए ही वापस आ जाता है और सबसे झूठ कहता है कि वो उस डॉल को जला चुका है। सभी वापस शहर आते हैं और जैकी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं क्योंकि उसे अभी तक होश नहीं आया था। हैरी जैकी के साथ हॉस्पिटल में रुकता है और बाकी के लोग पास ही के एक होटल में जाकर रुकते हैं क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी थी और वो इतनी रात को अपने घर नहीं जा सकते थे। होटल के अंदर एंडी सोफी से यह पूछता है कि उसने कार में उस गुड़िया को जलाने वाली बात क्यों कही थी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और उसे सोने का कहकर अपने रूम में चली जाती है। हम देखते हैं कि माइक अपने रूम में गांव में हुए हादसे की फुटेज चेक कर रहा था और जैकी के साथ हुई घटना पर उसे मज़ा आ रहा था। फिर वो एक टीवी प्रोड्यूसर को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसके पास एक गजब की फुटेज है और वो उस प्रोड्यूसर से उस फुटेज को बेचने की बात करता है।
एंडी अपने रूम में था और उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें एक बच्चा उसका गला दबा रहा था और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह माइक हॉस्पिटल में जैकी को देखने जाता है जहां पर हैरी बेहोश जैकी के पास था और माइक वहां जाकर हैरी को कैंटीन में जाकर कुछ खाने को कहता है क्योंकि कल रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। हैरी के जाने के बाद माइक बेहोश पड़ी जैकी के पास जाता है और उसे किस करता है क्योंकि उसे जैकी अच्छी लगती थी और वो हैरी से जलता था कि तभी अचानक जैकी की आंखें खुल जाती है और वो अपने बालों में माइक को जकड़ लेती है जिससे कि वो बस तड़पता रहता है। एंडी और सोफी होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी उनके पास हैरी का कॉल आता है और वो उन्हें हॉस्पिटल में बुलाता है जहाँ पर वो देखते हैं कि जैकी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, मानो जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। वो सभी लोग ये रात भी होटल में ही रुकते हैं जहाँ पर हैरी और जैकी एक ही रूम में ठहरते हैं और हम देखते हैं कि जैकी पजस्ट हो चुकी थी और हैरी उसके साथ अकेले था। माइक सुबह से गायब था और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था जिसके चलते सोफी रिसेप्शन से उसके कमरे की चाबी लेती है और वो माइक के कमरे में जाकर उसके लैपटॉप में गांव के इंसिडेंट की फुटेज देखती है और उसे पता चलता है कि उस रिचुअल के दौरान जैकी के अंदर एक बुरी आत्मा घुस चुकी थी और वो आत्मा अभी भी उसके अंदर ही है। एंडी होटल के बाहर था और वो देखता है कि हैरी बहुत ही डरा हुआ था और वो अपनी कार से भागकर कहीं पर जा रहा था। हैरी काफ़ी घबराया हुआ था और रात के अंधेरे में उसकी कार के सामने एक डरावनी परछाई आती है जिससे कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एंडी को जैकी का कॉल आता है और वो उसे अपने कमरे में बुलाती है। जब एंडी उसके कमरे में पहुंचता है तो वो जैकी का डरावना रूप देखता है जो एक छोटे से लड़के में बदल जाती है जो एंडी के सपने में आया था। दरअसल ये लड़का एंडी का छोटा भाई था जो एक हादसे में मारा गया और जैकी इसका जिम्मेदार एंडी को बताती है जिससे कि एंडी रिग्रेट होकर अपने आप को वहीं पर फांसी लगा लेता है, लेकिन सोफी सही समय पर आकर उसे बचा लेती है। अगली सुबह उन्हें खबर मिलती है कि हैरी और माइक मारे गए हैं और वो उनके दोस्तों की लाशों को देखकर काफ़ी दुखी होते हैं। जैकी को लगता है कि उन दोनों को उसी ने मारा है और वो एंडी और सोफी को भी मार देगी, लेकिन सोफी कहती है कि उन्हें फिर से उसी जगह पर जाकर सब कुछ ठीक करना होगा नहीं तो तीनों मारे जाएंगे। और जल्दी ही वो सभी उस गांव के लिए निकल जाते हैं जहां पर सोफी अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि उसे हमेशा से अपने शमन होने पर शर्मिंदगी महसूस होती थी क्योंकि उसे बचपन से इसके लिए चिढ़ाया जाता था, लेकिन आज उसे अपने शमन होने पर गर्व है। दरअसल शमन वो लोग होते हैं जो भूतों को देख सकते हैं और तंत्र मंत्र करते हैं, इसीलिए सोफी को गांव जाते टाइम उस दुकान पर वो लड़की दिखी थी और गांव के जंगल में वो औरत दिखाई दी थी। फिर सोफी जैकी के साथ वही रिचुअल करती है और एंडी को बाहर रुकने को कहती है। हम देखते हैं कि जैकी धीरे धीरे बदलने लगती है और सोफी उस बुरी आत्मा को जैकी के शरीर से बाहर आने को कहती है, लेकिन वो बुरी आत्मा कहती है कि वो धीरे धीरे जैकी की आत्मा को खा जाएगी और जैकी के शरीर पर कब्जा कर लेगी, लेकिन सोफी अपने मंत्र के जरिए उस आत्मा को जैकी के शरीर से निकालने की पूरी कोशिश करती है कि तभी वहाँ की मोमबत्तियाँ अपने आप बुझ जाती है और वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है जिसके बाद जैकी और खतरनाक हो जाती है। टॉर्च की मदद से देखने पर सोफी ये देखती है कि जैकी अपनी गर्दन पूरी पीछे घुमा लेती है जो काफ़ी डरा देने वाला नज़ारा था। सोफी जैकी को बचाने की कोशिश कर रही थी और एंडी तेज़ आवाज़ें सुनकर अंदर चला जाता है जहां पर जैकी उसे हेल्यूसिनेट करती है कि सोफी उसके भाई को मार रही है, लेकिन असल में ये जैकी करा रही थी। तभी अचानक से जैकी का मुँह काफ़ी बड़ा खुलता है और उसके मुँह से वो बुरी आत्मा बाहर आती है जैसा कि उस लड़की के स्केच में बताया गया था, और वह बुरी आत्मा जैकी को छोड़कर एंडी को पकड़ लेती है और उसे खींचकर चैम्बर में ले जाती है जहां पर माइक ने वो डॉल फेंकी थी। वो बुरी आत्मा एंडी की बॉडी में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एंडी अपनी जेब से लाइटर निकालता है और उस डॉल को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुरी आत्मा एंडी को और जोर से जकड़ती जाती है कि तभी अचानक चैम्बर से आँख की लपटें बाहर निकलती हुई दिखती है और वो बुरी आत्मा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद एंडी भी सही सलामत बाहर आ जाता है और तीनों उस हॉन्टेड घर और उस गांव से निकल जाते हैं।
अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी और सोफी एक रेस्टोरेंट में थे, जहां पर एंडी अपने लैपटॉप में उसे नॉवेल का ड्राफ्ट दिखाता है और बाहर चला जाता है। एंडी के लैपटॉप में सोफी उस घर की फुटेज देख लेती है, जहां से उसे पता चलता है कि एंडी तो चैम्बर में ही था और वही मारा गया था, और जो उसके साथ रेस्टोरेंट में है वो एंडी नहीं है। और तभी सोफी के कंधे पर एंडी अपना हाथ रखता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आई नो कि आपके मन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे और मैं उन सभी सवालों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये कहानी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन क्लब की है, जिसका नाम 0.0 मेगाहर्ट्ज था, जो कि एक फ्रिक्वेंसी है जिस पर इंसान पैरानॉर्मल चीज़ों और मरे हुए लोगों से संपर्क करता है। इस क्लब में दो नए मेंबर जुड़े थे, जिनका नाम सोफी और एंडी था। सोफी एक शमन फैमिली से बिलोंग करती थी, जिनके पास मरे हुए लोगों को देखने की शक्तियाँ होती थी, लेकिन सोफी को ये ज़रा भी पसंद नहीं था। फिर 0.0 मेगाहर्ट्ज क्लब एक गांव के एक घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है, जहाँ पर उनकी फ्रेंड जैकी पोजेस्ड हो जाती है और रिचुअल को ख़त्म करने के लिए उसमें यूज हुई गुड़िया को जलाना था, लेकिन माइक उसे नहीं जलाता क्योंकि वो जैकी और हैरी के रिलेशन से जलता था और जैकी अभी भी पोजेस्ड थी। वो माइक और हैरी को हेल्यूसिनेट करके मार डालती है और एंडी को भी उसके छोटे भाई का विजन दिखाकर मारने की कोशिश करती है, जो कि एक दुर्घटना में मारा गया था। सोफी को रियलाइज होता है कि उसके शमन होने का इस्तेमाल करना चाहिए और वो रिचुअल को ख़त्म करने के लिए वापस उस घर में जाते हैं, जहाँ पर जैकी तो बच जाती है लेकिन एंडी नहीं बच पाता, और उसकी आत्मा सोफी को अभी भी दिखाई देती है क्योंकि उसके पास मरे हुए लोगों को देखने की शक्तियाँ थी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं।